अभी हम आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार पे बनी हुई बाकमाल और बहुत ही शाहकार पेंटिंग्स दिखाने जा रहे हैं। इसमें मेरे साथ कैमरामैन आबिद और मेरे जो इस वक्त सपोर्टर हैं जुवेद तारक जट साहब हैं, जिनके तवस्सुल से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार है और ये आपने देखे अंदर खेत। ये दरवाज़ा नहीं था नादरी, नहीं, ये भी एक डिज़ाइनिंग थी जो आपको अंदर फसलें लगी ना, ये एक बड़ा ही बाकमाल आर्टिस्ट है जिसने ये बनाई थी। भाई दावे ये देखें, ये आपका कल्चर है, ये सिंधी कल्चर है, बलोची कल्चर अभी आपके सामने है। ये आपके सामने इस वक्त फिर ये सरहदी कल्चर आ गया, खैबर पख्तूनख्वा, कंदारी, ये नुसरत फ़तेह अली खान आ गए और ये बादशाही मस्जिद, ये पतंगबाजी का वो सनत का त्यौहार दिखाया जा रहा है। हाँ जी, इस वक्त ये मसाजिद, हैप्पी ईद आ गई, ये ईद में खुशियाँ आ गई मुसलमानों की। ये कुछ बहनें पढ़ रही हैं नमाज और ये देखें एक भाई दूसरे भाई को पैसे दे रहा है। बस नाजरीन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें पंजाबी कल्चर, सिंधी, बलोची, ये मकामी कल्चर्स को दिखाया जा रहा है। ये देखें फसल के पास क्या हो रहा है, ये पींगे डाली हुई हैं इस आंटी ने। नाजरीन ये देखें वो, ये सिख कल्चर आ गया आपके सामने, पंजाब का हिस्सा है। हाँ जी, यकीनन आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। घोड़ सवारी है, ये ऊँट सवारी है, ये ईद पे बकरे बेचने जा रहे हैं, ये देखें ऊँट के साथ। और ये आप देख रहे हैं मुल्तान का कुछ पस मंज़र है, ये दरवेशी सिस्टम है और ये एक शेर बिल्ली बनाया हुआ है इन्होंने। ये हिंदू कल्चर है, ये मुस्लिम कल्चर्स है, फिर साथ साथ दरबारी कल्चर है, ये दिया आंटी ने जलाया हुआ है। मेरा मकसद आपको ये बताने का ये है कि देखिए पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और हमें चाहिए कि हम इसको और प्रमोट करें। ये आगे देखें जंगी, जो जंग्स होती थी पहले, फवार्स होती थी, ये स्पोर्ट्स हैं। ये फिर पहाड़ी कल्चर आ गया है, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है। मुग़ल बादशाहों का भी थोड़ा सा पसे मंज़र इसमें ऐड किया गया आपके सामने। हाँ जी, ये बाहर का मौसम है इस वक्त और ये पुराने किलों के सामने गाड़ियाँ कैसी आ गई, तब तो गाड़ियाँ होती नहीं थी। खैर, झील बनी हुई है, ये बब्बर शेर बना हुआ है, ये बुज़ुर्ग हैं, ये किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, ये हर बंदे का अपना अलग-अलग से काम है। नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं और उनकी जो कंपनी होगी उसका भी नाम लिखा हुआ है। बाय द वे ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग और हम अप्रिशिएट करते हैं इन लोगों को और ऐसे अज़म रखने वाले लोगों को। देखिए हमारा मुल्क इससे कितना खूबसूरत लगता है, अगर हम सब लोग अपने घरों को और अपने गांवों शहरों की दीवारों को इस तरह रखें तो बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है इससे। लेकिन ये कुछ ख़वातीन अभी आप देख रहे थे पीछे रक्स कर रही थी, ये अच्छा नहीं है, ये सिंधी कल्चर। ये देखो नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा का सिस्टम है ये सारा। वैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं ऐसा नज़र नहीं आएगा आपको, ये पंजाब में पतंगबाजी हो रही है, ये बसंत के त्यौहार को याद किया जा रहा है। लेकिन इसके नुकसान भी यहाँ हो जाते ना दो चार, तो अच्छा मैसेज जाना था। ये देखिए नाजरीन, ऐसे लड़की ने की होया, आ पूजा कर रही है, दुआ मांग रही है। ठीक है फिर, बाय बाय। ठीक है ना, वो मेरा हाथ क्या कितों का आया हुआ से। ठीक है फिर नाजरीन, ऐ तुम खाने हैं जुबेर भाई और हम दोनों इस पर बना रहे थे, जुबेर भाई और हम इस पर लेक्चर बना रहे थे। अरे देखा तो आ रहे पीछे।